वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी ट्रिक नंबर 5। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी दिया हुआ नंबर 12 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 12 है इसके फैक्टर बना लेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3। इसलिए दिया हुआ नंबर 12 पे डिविजिबल होगा अगर वो 4 और 3 दोनों पे डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 पे चेक करते हैं कि ये नंबर 4 पे डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई नंबर 4 पे डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 पे डिविजिबल होंगे। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 64 है जो 4 के टेबल में आती है, मतलब 4 × 4 2 बच जाएगा, 4 × 6 24, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है। इसलिए पूरा नंबर 4 पे तो डिविजिबल हो गया। अब बात है 3 की। 3 के लिए हमारे पास जो टिक था इसके अंकों का हम योग करेंगे। यहाँ आ गया 2 + 5 = 7 + 6 = 13 + 4 = 17। 17 है जो वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो हमने बताया था कि ये नंबर 12 पे डिविजिबल तब होगा जब दोनों पे ही डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए ये नंबर 4 पे तो डिविजिबल हो गया लेकिन 3 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर 12 पे डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 6 2 5 8 4, इसकी डिविजिबिलिटी भी हम 12 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले 4 के लिए, फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्लियर ही है कि लास्ट 2 डिजिट है वो 4 पे डिविजिबल है, 4 × 2 = 8 4 = 4। ठीक है, इसलिए 4 पे तो डिविजिबल हो गया पूरा नंबर। अब 3 की बात करते हैं, इसके अंकों का योग करेंगे। 6 + 2 = 8 5 = 13 13 + 8 = 21 + 4 = 25। 25 है जो वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर 3 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो पूरा नंबर 12 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब समझने की बात है, पूरा नंबर 12 पे भी डिविजिबल तब होगा जब वो 4 और 3 दोनों पे डिविजिबल होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।